गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होता है जो इमीडिएट परचेज के लिए प्लान किया जाता है। मेरिट्स क्या होते हैं इसके? वैल्यू, अटेंशन वैल्यू, यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च और सिनर्जी इन टोटल प्रमोशनल एफर्ट्स। जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने होते हैं उसके लिए सेल्स प्रमोशन बहुत अच्छा मेथड होता है। लिमिटेशन है कि रिफ्लेक्ट क्राइसिस और स्पॉइल्स प्रोडक्ट इमेज। कई बार जब डायरेक्ट प्रमोशन किया जाता है ना, तो कस्टमर्स फिर उसे समझते हैं कि बहुत बेकार प्रोडक्ट है जो इसके लिए इतने लो लेवल का प्रमोशन किया जा रहा है, तो ये एक इमेज पे बात आ जाती है। कॉमनली यूज सेल्स प्रमोशन है रिबेट, डिस्काउंट, रिफंड, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, जो गिफ्ट आपको वाउचर्स और गिफ्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं साथ में फ्री, फिर है क्वांटिटी गिफ्ट। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ड्रॉज एंड असाइन गिफ्ट, लकी ड्रॉज जो निकलते हैं, यूजेबल बेनिफिट। कई बार होता है कुछ अमाउंट फिक्स होता है, इतने अमाउंट की आप शॉपिंग करिए तो आपको कुछ और उसके साथ मिलेगा। फुल फाइनेंस, सैम्पलिंग कॉन्टेस्ट, ये सब होते हैं आपके सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट होता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी में क्या होता है? अनपेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है और कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर इसमें नहीं होता है, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके फेवर में हो, कई बार नेगेटिव भी पब्लिसिटी हो जाती है। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है कस्टमर्स का। द बिजनेस रिलेट्स विद अ नंबर ऑफ ग्रुप्स इंक्लूडिंग सप्लायर, शेयर होल्डर, इंटरमीडियरी एक्टिविटी ग्रुप्स एंड द गवर्नमेंट, और ऐसे मिलके साथ काम करते हैं। रोल क्या है पब्लिक रिलेशन का? कैन बी डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शंस विच द डिपार्टमेंट परफॉर्म्स। जिसके साथ काम है उनके साथ वो काम हो जाता है। जैसे होते हैं प्रेस रिलेशन, प्रोडक्ट पब्लिसिटी, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, लॉबिंग, काउंसलिंग, बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, स्टिमुलेट सेल फोर्स, लोअर्स प्रमोशन कॉस्ट, ये सारे जो हैं ये आपके होते हैं यहाँ पर यू कुड से योर रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस। जैसे कि कुछ प्रेस में कोई चीज़ डिपार्टमेंट से कोई काम है, वहाँ से प्रमोशन कर दिया, फिर प्रोडक्ट पब्लिसिटी, कोई इवेंट मैनेज करके वहाँ किया, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल मटेरियल से, न्यूज़लेटर से, एनुअल रिपोर्ट से चीज़ें पब्लिश करी। उसके बाद है लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब हेल्दी रिलेशनशिप बनाया स्टेक होल्डर्स के साथ। काउंसलिंग जो चाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट, वेलफेयर, इन सब से रिलेटेड होता है, तो ऐसे पब्लिक रिलेशंस को बूस्टअप किया जाता है। एंड दिस ब्रिंग्स टू एंड ऑफ योर चैप्टर, दैट इज़ मार्केटिंग।